अस्सलामुअलैकुम। आज मैं सीख कबाब बनाने लगी हूँ। इसके लिए जो मैंने कीमा लिया है ये 4 पाउंड है। सबसे पहले मैं इसमें मसाले डालूंगी। 1 टीस्पून मैंने रेड चिली पाउडर डाला है, सूखा धनिया 1 टीस्पून, सफेद जीरा 1 टीस्पून, कश्मीरी लाल मिर्च जो है वो मैंने 1 टीस्पून डाली है, ब्लैक पेपर 1/2 टीस्पून, 1/2 टीस्पून हल्दी डाल रही हूँ। 1 पैकेट में सीख कबाब का इस्तेमाल कर रही हूँ, शान वालों का, क्योंकि इसमें नमक होता है इसलिए मैं नमक नहीं अभी डाल रही, टेस्ट करने के बाद फिर मैं नमक डालूंगी। अब मैं इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी। ग्लव्स मैं इसलिए नहीं पहन रही कि ये जो सीख कबाब का कीमा होता है ना, ये ग्लव्स से अच्छे से मिक्स नहीं होता। इसको पहले मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी दोनों हाथों से, ऐसे ऐसे करके, ये देखें, इसको मुट्ठी बंद करके इसको निकालते जाना है। और तकरीबन आप ये जो तरीकाकार करेंगे तकरीबन 15 मिनट तक करेंगे तो ये कीमा अच्छे से मिक्स हो जाएगा। 1/2 पैकेट इसमें मैं चपली कबाब का मसाला डाल रही हूँ, ये भी शान वालों का है, क्योंकि ये मैं इसलिए डाल रही हूँ कि मैं अंडे का इस्तेमाल नहीं करूँगी और ना ही मैं बेसन का इस्तेमाल करूँगी और ना मकई के आटे का, इसी को इस्तेमाल करूँगी। इससे एक तो जायका और अच्छा हो जाएगा और हमारे कबाब जो है ना वो टूटेंगे भी नहीं। आप ये मेरी रेसिपी जो है ना ज़रूर ट्राई कीजिएगा, ये बहुत मज़े के बनते हैं। मैं अक्सर घर में ये बनाती रहती हूँ। आप देखें कि कीमा कितने अच्छे से मिक्स हो गया, आपको खुद पता चल रहा होगा। इसको मैंने चॉप करके रख लिया है। ये प्याज है, हरा प्याज है और हरी मिर्च है। हरा प्याज मैंने जो लिया है वो 2 गड्ढी लिए हैं और जो दूसरा प्याज है वो मैंने 2 बड़े साइज़ के प्याज लिए हैं। हरी मिर्च मैंने 20 अदद लिए हैं। ये मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है। यह मैं कबाब बना रही हूँ, इसके ऊपर मैं लगा रही हूँ सीख के ऊपर। ये देखें, ऐसे अच्छे से आपने जितना भी इसको लंबा करना है कर सकते हैं और हाथों से इसको दबाते जाएं। आहिस्ता आहिस्ता थोड़ा सा पानी लगा लें, आप ऑयल भी लगा सकते हैं। अब मैं इसके ऊपर रख रही हूँ ग्रिल होने के लिए। अब मैं इसके ऊपर मसाला लगा रही हूँ। ये सीख कबाब बहुत अच्छे बनते हैं, आप ज़रूर ट्राई करें, ये मेरी स्पेशल की रेसिपी है। इस ऑयल में भी मैंने सारे मसाले वही मिक्स किए हैं जो मैंने आपको पहले दिखा चुकी हूँ। मौसम बहुत अच्छा है, हमारे पास बारिश हो रही है और हम सब लोग बाहर गार्डन में कबाब तैयार हो गए हैं। अब इनको मैं उतार लूँगी। ये है सीख कबाब की फाइनल लुक, आप इसको ट्राई करें। पसंद आए तो मेरी वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह फिर मिलती हूँ एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम।